जब आप पहली बार वोट डालने जाते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ बदलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होती हैं। तो मेरे साथ ये जो आप चेहरे देख रहे हैं पहली बार वोट डालने वाले हैं, और वाकई में इनसे जानना बहुत दिलचस्प होगा कि भैया कैसा नेता ये चाहते हैं, क्या इनके दिमाग में मुद्दे हैं, क्या वाकई में भावनात्मक मुद्दों से जुड़े हैं या फिर रोजगार की लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोहेल खान। सोहेल, आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? जी, मेरा फर्स्ट टाइम है ये। क्या क्या मुद्दे हैं दिमाग में, क्या सोच के जाओगे? मैं तो सबसे पहले चाहता हूँ कि हमारे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। यहाँ पे 2 या 3 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। यहाँ पे अभी 15 साल से बीजेपी की सरकार है, विधायकों से कई बार बोला, कोई नहीं सुनता, बस आश्वासन दे देते हैं कि हाँ हो जाएगा, बट अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। आपका क्या नाम है? आदर्श नाम है। आदर्श, पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? बीए। तो अभी आप क्या दिमाग में मुद्दा है, क्या सोच के जाएंगे? वो तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है, और मुद्दा जी कुछ नहीं है, यही है विकास हुआ है 5 साल में, 70 साल में उतना विकास नहीं हुआ, 5 साल में हुआ है विकास। और का ये देश के ऊपर से कुछ नहीं था, देश में नंगा भूखों को भारत में कोई सदस्य था, आज ये है कि मोदी तो कह सकता है कि हाँ है देश में, और क्या विदेशों में आज मोदी मोदी है ना, कोई नहीं। आपका क्या नाम है? पुष्पा सिंह लोधी। आप क्या करते हैं? हम बीटेक है सर, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर बीटेक है, तो क्या है दिमाग में अभी, कैसा नेता चाहिए? हमें तो मोदी जैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें 5 साल में बहुत विकास कर दिया, उसको थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना, हर चीज के लिए टाइम लगता है, तो उसको 5 साल बाद एक बार मौका देना चाहिए। अच्छा, जो रोजगार की बात है, जो 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, वो तो सर हमने अभी कमलनाथ जी, मिस्टर जो अपने कमलनाथ जी हैं, उनने भी तो की थी ना रोजगार भत्ता देंगे, कुछ हुआ नहीं अभी, कुछ नहीं हुआ, 50 रुपए भरे हैं भत्ते। ये बोल रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 60 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र को इतना मजबूत बना दिया कि एक चाय बनाने वाले इंसान को आज हमने पीएम बनाया है, ये काम किया कांग्रेस ने। अच्छी बात है ना? जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। वही तो मजबूत किया है, उनको भी तो पीएम बना दोगे? ऐसा हर होगी तो अपन हर किसी को पीएम बना सकते हैं, उसके लिए पहले योग्यता होनी चाहिए, उसके बाद वही तो लोकतंत्र। आपका क्या नाम? राज विश्वकर्मा। जैसे मेरा भाई ने बोला कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, मैं भी बोलना चाहूंगा कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। सोनिया गांधी आज देश की तीसरे नंबर की महिला है अमीरों में, आज सबको पता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी हैं, और ये भी पता है कि आगे चल के कांग्रेस में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या तो वो प्रियंका गांधी होंगी या फिर राहुल गांधी के सपुत्र होंगे आने वाले समय में। कोई बता सकता भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा आगे चल के? आज देश में मोदी जी हैं, आज देश को यार स्ट्राइक हुई थी, ऐसी स्ट्राइक 70 साल में हुई कभी? हाँ हुई थी, इंदिरा गांधी ने कराया था। क्या कराया था इंदिरा गांधी? आपको पता है, हमें पता है, और कांग्रेस में पूरे नेता खराब नहीं है, बट कुछ नेता ऐसे हैं ओनली फॉर खुद का विकास, दूसरे का कोई विकास नहीं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम? संचित सिंह ठाकुर। संचित? संचित सिंह ठाकुर। संचित क्या करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रही। अभी वोट डाला? नहीं अभी नहीं, इस बार डालेंगे। हाँ, क्या है दिमाग में, कैसे नेता की छवि है? वही अपने बीजेपी आएगा, मोदी आएगा। चला रहा हूँ, अच्छा है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि हर छोटी छोटी सी चीज पे GST लगती है, तो इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि हम छोटे से दुकानदार हैं, और एक ये 5 रुपए की आइसक्रीम लेने जाता हूँ तो इस पे भी GST लग रही है, तो सबसे मेन तो मुद्दा यही है कि GST कम होना चाहिए। वो GST तो सरकार तो नहीं, वो आपसे बात नहीं हो रही, आप 2 मिनट दीजिए मेरे को बोलने का। बोलो। और जो भैया लोग बोल रहे हैं कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, ये सब फालतू की बात है, 60 साल में सब कुछ हुआ है, और 5 साल में भी सब कुछ हुआ है। 5 साल में मैं भी मोदी को वोट दूंगा, क्योंकि मोदी ने काम किया। बस मैं ये चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे जो सांसद और जो विधायक बने हुए हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे परसौरिया में पानी का विकास करना चाहिए, क्योंकि हमारे गाँव में, मैं 23 साल की उम्र का हो गया हूँ, आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है पानी की, तो सबसे मेन हमें पानी चाहिए, कहीं से भी लाके दूं। भैया कह रहा है, एक मिनट, GST है जो भारत का 80% विकास टैक्स से होता है, अगर टैक्स नहीं देगा तो कहाँ से विकास होगा? कहीं नोटबंदी, कहीं गरीबों को, जब गरीब के पास हाथों ही नहीं तो कहाँ से नोटबंदी? कहीं थोड़ा शांत रहो। पढ़ाई करते हैं? क्या करते हैं? पढ़ाई हो चुकी है हमारी पूरी। अभी क्या कर रहे हैं? अभी दुकान है छोटी सी। क्या जो सरकारी योजना है उनके बारे में कुछ पता है आपको? मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, वो तो पता है। ऐसे बिजनेस शुरू किया? ऐसे क्या पढ़ाई हो गई, उसके बाद सरकारी नौकरी निकली नहीं तो आके दुकान खोल ली। सरकारी मोदी की तैयारी की थी? सरकारी नौकरी की तैयारी की? सरकारी नौकरी की तैयारी की थी, रेलवे की भी परीक्षा, और अभी फिर से फॉर्म डाला है, SSC का भी फॉर्म डाला है।
और अपनी दुकान भी चला रहे हैं। दुकान भी चला रहे। तो ऐसा कोई नेता है जो रोजगार दे? कोई नहीं है, कोई नहीं है, मोदी के अलावा कोई नहीं दे सकता, इतना मालूम है। आप तो पिछले कई दिनों से लगे, कहाँ मिला? तो अब तो मिलेगा ना, वो तो अपनी अपना काम कर रहा है, पूरा निकाल के दे रहा है नौकरी। अब आपके ऊपर है, पढ़े ना पढ़े कैसे मिल जाएगी नौकरी। ये सागर है और मेरे साथ ये कुछ युवा लोग यहाँ पर हैं और इन्होंने एक संगठन यहाँ सागर में बनाया है। क्या आपके संगठन का नाम? जय महाकाल हिंदू संगठन। क्या है ये? ये संगठन बस हम लोग सब बरात निकालते हैं, उसमें रामनवमी का प्रोग्राम करते हैं, रामचंद्र जी का, और हिंदुत्व के काम रहते हैं उसमें। सारे हिंदू धर्म से जुड़े हैं? हाँ, हिंदू धर्म से। तो कुछ सामाजिक काम भी करते हो क्या? हाँ, सब कुछ, कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब धर्म में कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए। धर्म में तो ठीक है, समाज में हो तो? समाज नहीं, समाज हिंदू समाज है सिर्फ। हाँ, सिर्फ हिंदू समाज है, बाकी सब भी अपने भाई लोग हैं। नहीं नहीं, कट्टर हिंदू है। क्यों, ऐसा क्यों? जय महाकाल हिंदू संगठन। आपका क्या नाम है? शुभांग शुक्ला। शुभांग शुक्ला। आप भी कट्टर हिंदू हैं? जी सर। आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? हाँ, ग्रेजुएशन है। कर लिया ग्रेजुएशन? तो नौकरी वोकरी रोजगार वगैरह है? नौकरी का अभी लगे हैं। अब काम क्या करते हैं? वर्क करता हूँ मैं, वर्क करता हूँ। क्या? सीजी स्टूडियो में फोटोग्राफर। फोटोग्राफर हो? अच्छा, तो सीखा था पहले, कहीं ट्रेनिंग ली या खुद ही सीख लिया? खुद ही सीख लिया। खुद ही सीख। जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हो, ऐसी कोई सरकार है दिमाग में जो आपके रोजगार के लिए कुछ करे? मोदी सरकार। मोदी सरकार। आपका क्या नाम? मोहित पटेल। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं अभी। पढ़ाई करते हैं। वोट डाला अभी तक? नहीं, इस साल से डालने लगे। कैसा नेता की छवि है दिमाग में, कैसा नेता चाहिए? अच्छा, जो धर्म के प्रति आगे बढ़े, रोजगार दिलाए, सब कुछ। अच्छा, रोजगार चलाए या धर्म में, धर्म का वो करे? धर्म रोजगार दोनों, पहले धर्म फिर रोजगार। पहले धर्म? हाँ। क्यों? अब धर्म से ही तो हिंदुस्तान जिंदा है।